हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे मैथ कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें मैंने पैरेलल लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं और लाइन किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं, थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करवाई थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। मीन्स आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 एंड मेजर द टू पार्ट्स। और आपको 7.6 सेंटीमीटर के लेंथ के सेगमेंट को आपको डिवाइड करनी है 5:8 में, और उसको जो दो पार्ट्स है 5:8 उसको मेजर भी करना है कि कितना लेंथ आ रहा है दोनों का। तो पहले हम 7.6 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ ए एंड बी। अब इसे दो पार्ट्स में ड्रॉप डिवाइड करना है 5:8 मीन्स 5:8। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से डिवाइड करते हैं। अगर दो रेशियो में डिवाइड करना है तो दोनों प्लस कर देंगे, तो हमें इसे सबसे पहले 13, यानी यहाँ पहले एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ये मैंने एक्यूट एंगल बनाई। अब इसे हम 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे विद द यूजिंग ऑफ कंपस। कंपस से हम इसे 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो लेट चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं। वन टू थ्री इलेवन ट्वेल्व एंड 13। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी थी इसे। अब कह रहा है कि 5:8 में इसे डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जो लास्ट आर्क आई इसको और बी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दी। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ शुरू से देखिए आप 1 2 3 4 5। पहले 5 है, 5 है पहले 1 2 3 4 5। मीन्स यहाँ हमें लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसके। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 11 a12 एंड a13। ऑलराइट, अब इसे 5:8 में डिवाइड करना है 5:8 में। तो पहले 5 है 1 2 3 4 5। मीन्स यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, मतलब डिवाइड करना है। तो हम मैंने बताया था किस तरह से इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले कंपास को लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम यहाँ देखिए a1 a2 a3 a4 a5 में सेम वैसे ही एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम इसे मेजर कर लेंगे। देखिए मैंने मेजर कर ली, और जहाँ से ये लाइन टच हो रही है वहाँ से हम इसे बाइसेक्ट कर देंगे। और A5 से और इस पॉइंट को
बस ज्वाइंट कर देंगे। सो इसे हम नाम दे देते हैं एफ, मीन्स B A13 एंड F A5 इज पैरेलल टू इच अदर। ठीक है, मीन्स ये 5:8 में डिवाइड हो गई। अब इसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसे स्टेप वाइज लिख देते हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है, कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि इसे आप स्टेप्स में लिखिए कि आपने किस तरह से इसे बनाया है। तो स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप स्टेप फर्स्ट कि हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन या फिर लाइन सेगमेंट भी आप लिख सकते हैं, आपकी विश, आपकी मर्जी। लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, पहला। दूसरा, फिर हमने क्या किया था कि ड्रॉ अ रे, या फिर लाइन भी कह सकते हैं आप, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए ड्रॉ अ रे और अ लाइन फ्रॉम ए विच मेक्स एक्यूट एंगल। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जानते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए, ये अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता ये 90 डिग्री होता, लेकिन मैंने थोड़ा एंगल को अंदर की तरफ किया है, मीन्स 90 डिग्री से कम है, मीन्स ये एक्यूट एंगल है, तो मैंने एक एक्यूट एंगल बनाई। तो ड्रॉ अ रे और अ लाइन फ्रॉम ए विच मेक एक्यूट एंगल। देन सी, फिर हमें क्या कर, फिर तीसरा स्टेप्स क्या था कि हमने इसे 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड डिवाइड लाइन, इसे मैं एक्स कह देता हूँ, डिवाइड लाइन AX इन 13 इक्वल पार्ट्स। हमने इसे 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने BA13 पैरेलल टू F A5, A5F, हमने इसे पैरेलल किया थ्रू यूजिंग कंपास। चौथा हमारा क्या, होगा कि ड्रॉ पैरेलल लाइन लाइन और ड्रॉ पैरेलल लाइन BX एंड सॉरी BX नहीं, BA13 एंड FA5, ये हमारा हो गया। देन लास्ट, देन इट विल डिवाइड इनटू 5:8। सो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लिया 7.6 सेंटीमीटर का, हमने पहले ड्रॉ किया। देन हमने क्या किया कि एक रे, या फिर हम इसे लाइन भी कह सकते हैं, हमने ए से एक लाइन ड्रॉ की जो एक्यूट एंगल बना रहा था। फिर हमने क्या किया, उसी लाइन को ए और एक्स मैंने इसे नाम दिया है,
उसे डिवाइड लाइन ए एक्स इन 13 इक्वल पार्ट्स, हमने इसे 13 इक्वल पार्ट्स थ्रू कंपस से हमने इसे 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर ड्रॉ अ पैरेलल लाइन बी ए 13 एंड एफ ए 5। फिर हमने इसे क्या किया, थ्रू यूजिंग कंपस हमने यहाँ रखा, फिर इसे भी यहाँ रख के यहाँ से इसे काट दिया तो ये ज्वाइन हो गया। फिर हमने एफ ए 5 एंड बी ए 13 को पैरेलल प्रूफ किया, देन इट विल डिवाइड इंटू 5:8। फिर ये देख सकते हैं a1 a2 a3 a4 a5 1 2 3 4 5 रेशियो इंटू डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5:8 में ये डिवाइड हो गई। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने तो इसे डिवाइड किया था ना, हमने इस लाइन को डिवाइड किया था 5:8 में, हमने इसे कहाँ डिवाइड किया था? और यहाँ पे हमें कह भी रहा है कि इसे आप जस्टिफाई कीजिए, आप जस्टिफिकेशन इसे प्रूफ कीजिए। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, जस्टिफिकेशन। वैसे जस्टिफिकेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ आपके क्वेश्चन में कहा है कि आप जस्टिफाई कीजिए इसे, तो मैं इसे जस्टिफाई करके बताता हूँ कि देखिए यहाँ ये एक ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं ए बी एक्स सॉरी ए बी ए 13, ये एक ट्रायंगल है। सो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये ए एफ एंड एफ बी इक्वल टू ए ए 5 एंड बाई ए 5 ए 13, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है कि थ्रू पीपीटी का यूज हम लोग करेंगे, थ्रू पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम इसे प्रूव करेंगे कि ये हमने तो इसे 5:8 में डिवाइड किया, लेकिन ये कैसे 5:8 में डिवाइड हो गई। सो हम इसे भी 5:8 में प्रूव करेंगे कि ये भी 5:8 में है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है ए बी ए 13 इज अ ट्रायंगल, देन एज वी नो दैट ए ए 5 एफ पैरेलल टू बी ए 13, ये हमें गिवन दी हुई है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए 5 बाय ए 5 ए 13 इक्वल टू ए एफ बाय एफ बी, मीन्स हमें जो इसकी वैल्यू दी हुई है यानी 5:8, इससे भी इसके इक्वल हमें प्रूव करना है कि ए एफ जो है ये 5:8 में है और 8:8 में है एफ बी, इसे हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ हमें यह प्रूव करना था कि ए एफ बाई एफ बी इक्वल टू 5:8, हमें यह प्रूव करना था। तो प्रूफ में थ्रू पीपीटी लिखेंगे बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, देखिए एफ ए 5 और बी ए 13 पैरेलल है, सो पीपीटी क्या कहती है कि इफ इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, मीन्स ए एफ बाई एफ बी इक्वल टू ए 5 बाई ए 5 ए 13, मीन्स ए एफ बाई एफ बी इक्वल टू ए ए 5 बाई ए 5 ए 13। और हमें इसकी वैल्यू दी हुई थी है ना, ए ए 5 बाय
a5, a13 की वैल्यू दी हुई थी क्या, कि ये 5/8 के रेशियो में, देयरफॉर AF/FB इक्वल टू 5/8, क्योंकि AF/FB A5 और A5 A13 के इक्वल है, इसीलिए अगर A5 और A5 A13 का अगर वैल्यू दिया हुआ है 5:8, तो इसका मतलब है कि AF और FB का भी वैल्यू यही होगा, मीन्स ये 5:8 में है, AF/FB ये इक्वल है, मीन्स AF की वैल्यू 5 एंड FB की वैल्यू 8, सो हेंस